ट्वींस प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा चेंज होता है वो है आपकी नाभि का आकार बढ़ना। ट्वींस प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें आपकी नाभि में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, ट्वींस प्रेगनेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर लगता है, जैसे चौथा पांचवा महीना, वैसे ही आपकी नाभि का आकार भी बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड आप प्रेगनेंसी के दौरान देखेंगी आपकी नाभि में काफी ज्यादा उभार आना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों की नाभि इस दौरान अंदर ही रहती है, बट कुछ लोगों की नाभि जो है बाहर की तरफ निकलना बिल्कुल स्टार्ट कर देती है। ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि ट्वींस प्रेगनेंसी में नाभि में दर्द होता क्यों है। देखिए होता क्या है, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है वैसे वैसे जो एमनियोटिक फ्लूड होता है जिसमें बेबी अंदर रहता है उसका भी साइज बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट कर देता है। एंड क्या होता है कि नाभि पे जो है प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसे ही आपका थर्ड ट्राइमेस्टर लगता है वैसे और ज्यादा प्रेशर होता है, तो आपकी नाभि में जिस वजह से दर्द और सूजन एंड प्लस जलन और खुजली होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल बात होती है, इससे कोई भी समस्या नहीं होती, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके अगर खुजली होती है तो आपको उसको खुजलाना नहीं है, इससे आपके बेबी को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो बेबी होता है वो नाभि के थ्रू माँ से कनेक्ट रहता है, इसलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। और नाभि में जो उभार आता है सिचुएशन को आउटी वेली बटन के नाम से जाना जाता है। एंड दूसरा रीजन जो है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो इस वजह से भी आपकी नाभि में बहुत ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। इसके अलावा आपकी ट्वींस प्रेगनेंसी में पेट पर बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ता है, जिस वजह से भी आपकी नाभि में बहुत ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। एंड इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बच्चे हलचल करते हैं तो उस दौरान भी आपको दर्द महसूस हो सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल बात होती है, आपको इसमें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम आपको कुछ सोल्यूशन बताते हैं जो आप बिल्कुल कर सकती हैं। सबसे पहली बात, जब भी आपकी नाभि में खुजली या फिर जलन हो तो इस दौरान आप अपनी नाभि में तेल या फिर कोई लोशन जरूर लगाएं, बट आप खुजलाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। एंड दूसरी बात, आप जब भी सोने के लिए जाएं, आप दाएं या फिर बाएं करवट लेके एक साइड से लेटती हैं, तो आप उस दौरान नाभि के पास में तकिया जरूर रखें, जिससे कि नाभि में बहुत ज्यादा खिंचाव ना पड़े, इससे भी आपको दर्द में काफी हद तक राहत मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस दौरान आपको बिल्कुल भी टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। अगर आप टाइट कपड़े पहनती हैं तो इससे भी आपके पेट पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा एंड आपकी नाभि पे भी प्रेशर पड़ेगा, इस दौरान भी आपके काफी दर्द होगा, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ट्वींस प्रेगनेंसी में पेट बहुत ज्यादा ही रहता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल ढीले कपड़े ही पहनें। अगर आपने नेवल पियरिंग्स कराई हुई है तो आप इसको हटवा दें, नहीं तो इससे आपको और ज्यादा समस्या क्रिएट हो सकती है। तो ये कुछ रीजन थे एंड कुछ उपाय जो मैंने आपको बता दिए हैं, एंड आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो ये दर्द ऑटोमेटिक चला जाएगा, मेरा भी चला गया था। और ध्यान रखिए, पूरी प्रेगनेंसी इसको बिल्कुल भी टच करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी दबाने की कोशिश ना करें, जितना आप इसको टच करेंगी उतनी ही आपको और ज्यादा दिक्कत होगी, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको एक लाइक जरूर करें। एंड आप ट्वींस प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।